Sean, Sahinsha. Padhiya, Sahinsha, padhiya. Thank you. Friendly photo. Together. हेलो जी, गुड मॉर्निंग. हो चुके नए दिन की शुरुआत. आज है सैटरडे, तो आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना. तो कल जैसे आपने देखा, हम पहुंच गए थे प्राग और हमने रात को होटल में किया चेक इन और उसके बाद खाया पिया और सो गए. तो आज फिलहाल अभी तो प्लान डिसाइडेड नहीं है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, बट क्योंकि सुबह अभी बज रहे हैं 10, तो हम सबसे पहले करेंगे यहाँ ब्रेकफास्ट. तो मैं जाऊंगा नीचे और वहाँ सब पहुँच चुके हैं, तो वहाँ करेंगे ब्रेकफास्ट. और उसके बाद हमें दो लोग और ज्वाइन करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, सुमान और वरुण. तो वो भी अराउंड 10:30-11 o'clock आ जाएंगे यहाँ पे. तो उसके बाद ही हम शुरू करेंगे अपना यहाँ का टूर. तो देखते हैं आज ओल्ड सिटी कवर करेंगे या जाएंगे यहाँ का कासल और जो चार्ल्स ब्रिज है वहाँ पे. तो जैसा भी रहेगा वो हम नीचे भी डिसाइड करेंगे, तो वो देखते हैं. और फिलहाल आपको दिखाते हैं यहाँ का ब्रेकफास्ट, तो चलिए हमारे साथ. तो जी, जैसे आपने देखा ब्रेकफास्ट में, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, तो हमने ले लिया है फटाफट ब्रेकफास्ट. और यहाँ पे प्लेट का साइज़ बहुत ही छोटा है, तो एक्चुअली 2-3 प्लेट्स में आपको ब्रेकफास्ट लेना पड़ेगा. तो मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से हमने क्या लिया और फिर फेलते हैं इस ब्रेकफास्ट. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो जो ब्रेकफास्ट करने के बाद वापस अपने रूम में, क्योंकि हमें करना है अपना रूम चेंज. और हम अपग्रेड कर रहे हैं 3 लोगों वाले रूम में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 2 लोग और ज्वाइन करने वाले हैं. तो फटाफट मैं अपने सामान उठाता हूँ और जाता हूँ दूसरे रूम में और दिखाता हूँ आपको वो वाला रूम. तो जी, हमारा नया रूम जिसमें 3 लोग की कैपेसिटी है. तो यहाँ पे ये है डबल बेड और ये सिंगल बेड, और ये एक्चुअली डबल बेड नहीं है, ये 2 बेड को जोड़ के एक बेड बनाते हैं यहाँ पे. बट यहाँ से रूम का व्यू वैसा ही है सेम, बट यहाँ से आपको टेस्को दिखता है बाहर. तो यहाँ पे ये टेस्को है सामने 24/7 स्टोर, और बाकी रूम अच्छा है. तो फिलहाल मैं अपना सामान करता हूँ यहाँ पे ट्रांसफ़र और फिर उसके बाद निकलते हैं बाहर. तो जी, हम हो चुके हैं नहा धो के तैयार, और जैसे आप देख सकते हैं हम इस टाइम खड़े होटल के बाहर. और आप मेरे पीछे देख के आइडिया लगा ही सकते हो कि आज मौसम थोड़ा अच्छा है, थोड़ी थोड़ी धूप है, तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है फिलहाल. और आई थिंक जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, धूप बढ़ जाएगी, तो हमारा मौसम ठीक हो जाएगा और मज़ा आएगा वॉक करके. तो जाते हैं वहाँ पर, और सामने वो दोस्त आ चुके हैं मेरे, तो मैं आपको दिखाता हूँ. तो ये आ गए 2 बंदे जिनका काफ़ी देर से इंतज़ार हो रहा था. तो जी, फाइनली हम फिर से पहुंच चुके हैं ट्रैम स्टॉप पे, और जैसे ये ट्रैम जा रही है इसके बाद आएगी 22 नंबर की ट्रैम, हमें वो पकड़नी है. और वहाँ से हमें आधा घंटा लगने वाला है, तो आधा घंटे में हम पहुंचेंगे ओल्ड स्ट्रीट पे, और एक्चुअली वहीं पे सब कुछ है. तो ये मेरे पीछे एक निकली, इसके बाद वाली हमारी है, और सब कुछ यहाँ पे ओल्ड स्ट्रीट पे ही है. तो फिलहाल आज हम ओल्ड स्ट्रीट कवर नहीं करेंगे, क्योंकि आप ऐसे घूमोगे तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता. तो हम कल कवर करेंगे ओल्ड स्ट्रीट और वहाँ जितनी भी चीज़ें हैं. फिलहाल आज के लिए करेंगे चार्ल्स ब्रिज. तो पहले पकड़ते हैं ट्रैम
और पहुंचते हैं ओल्ड स्ट्रीट पे, वहाँ शॉपिंग है, थोड़ा खाएंगे पिएंगे यहाँ का लोकल फूड और उसके बाद अपना टूर शुरू करेंगे चार्ल्स ब्रिज वाला। तो भी फाइनली हम ट्राम में बैठ गए और मैं आपको दिखाता हूँ बाहर के नज़ारे। धूप काफ़ी तेज़ है तो इतनी ठंड नहीं लग रही है, मौसम बहुत सही है और इसीलिए ज़्यादा जैकेट वैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। गर्मी लग रही है मुझे तो ट्रेन के अंदर। भाई का चश्मा गिर गया नीचे, ये भाई स्कूटर पे घूम रहे हैं पूरा दिन, बच्चे का स्कूटर मार लिया है। तो हमें लगेगा लगभग यहाँ से 20 मिनट पहुँचने में और फिर देखना पड़ेगा वहाँ पे क्या खुला है, जाते हैं और आपको मेरे पास रास्ते में नज़ारे में दिखाता हूँ। A few moments later. तो जी जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं हम फाइनली उतर गए ट्राम से और नीचे चल रहे आइस स्केटिंग, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ और अब हम यहाँ से वॉक करेंगे और जो हमें लगभग 5 मिनट की वॉक करनी है। तो यहाँ चल रहे आइस स्केटिंग, तो हमें जाना है वहाँ, तो हम चलते हैं वहाँ पे। तो ये जो आप लोगों ने देखा ये है चार्ल्स ब्रिज, इस पे हम जाएंगे दोपहर में जो हम वॉकिंग टूर ले रहे हैं। बट फिलहाल आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ से दूर से क्या सही व्यू है ये चार्ल्स ब्रिज का। तो मैंने फोटोज़ लिए हैं वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ऊपर हमारा इंस्टाग्राम का नाम आ रहा होगा, आप वहाँ पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। और ये दूर कासल है तो इस पे भी हम शाम को जाएंगे। तो अभी हमारे पीछे चला गया चार्ल्स ब्रिज क्योंकि हम उसके सामने से जा रहे हैं। और ये अंदर ऐसे गलियों में मार्केट्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे खाने पीने के शॉप्स हैं और कैंडी शॉप्स हैं और बाकी सारी चीज़ों के शॉप्स हैं। और क्योंकि यहाँ का ओल्ड टाउन है तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसी पुरानी पुरानी फीलिंग आ रही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे घर और बिल्डिंग्स कैसे बनी हैं। और ये यहाँ का लोकल डेजर्ट है और ये बहुत ही सही रहता है, तो आप अगर आए तो इसको ज़रूर खाइएगा। और बाकी यहाँ पे मौसम अच्छा है तो आज वॉक करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का लोकल स्ट्रीट्स और व्यू यहाँ का। और यहाँ पे सोवेनियर्स भी बहुत सारे मिलते हैं, तो आप मेरे पीछे देख पाएंगे वो शॉप्स सोवेनियर की, तो भर भर के ऐसी शॉप्स हैं और आपको हर प्राइस में मिल जाएगा। और आप थक जाएँ तो यहाँ पर मसाज भी करा सकते हैं। तो अगर आप चलते चलते थक जाए तो यहाँ पे आप रुक के आराम से मसाज करा सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे आप। और अगर आपका मन हो थोड़ी ज्वेलरी खरीदने का तो यहाँ पे वो भी ऑप्शन है, डायमंड भी खरीद सकते हैं आप यहाँ पे। सिक्सटी% डिस्काउंट पे मिल रहा है। और क्योंकि आज मौसम काफ़ी अच्छा है तो ऐसे बाहर बैठ के लोग मस्त अपना लंच कर रहे हैं, क्योंकि अभी लंच टाइम तो हो ही चुका है, 12 बज रहा है ऑलरेडी। तो यहाँ का लंच टाइम तो 12-12:30 बजे हो जाता है, तो यहाँ पे लोग मस्त बाहर बैठ के लंच कर रहे हैं। हम भी कहीं बैठेंगे थोड़ी देर में। तो जी हमें दिखी है दुकान एक कैंडी की, कैंडी माइनर्स, तो हम जाते हैं इसके अंदर और मैं दिखाता हूँ आपको इसके अंदर का व्यू। और यहाँ पे बबल टी भी मिल रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है बबल टी, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो होती क्या है और उसके अंदर बबल्स का मतलब क्या है।
तो ये जैसे आपने देखे ये बॉल्स, तो बेसिकली हर फ्लेवर की बॉल है और ये वो उस पानी में डाल देते हैं जिस भी फ्लेवर का पानी बोलेंगे, और एंड में इन बबल्स का आप टेस्ट ले सकते हैं। और मुझे इतना पसंद नहीं है बट यहाँ के लोगों को बहुत पसंद आता है, और बर्लिन में भी मैंने काफ़ी जगह पे देखा है बट यहाँ पे भी दिख गया मुझे, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाता हूँ। और क्योंकि अभी भी ठंड का माहौल है तो यहाँ पे ग्लू वाइन अभी भी सब जगह मिल रही है, बट फिलहाल ग्लू वाइन पीने का टाइम तो नहीं है, तो मुझे ये मन कर रहा है कॉफ़ी पीने का, तो मैं देखता हूँ कोई अच्छी सी शॉप और वहाँ से मैं लेता हूँ अपने लिए कॉफ़ी। A few moments later. तो जी आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है यहाँ की एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक, और आई थिंक ये हर घंटे में बजती है या कुछ स्पेसिफिक टाइम पे बजती है, बट बहुत ही सही है। आप पता नहीं देख पा रहे होंगे नहीं देख पा रहे होंगे, ऊपर छोटी छोटी विंडोज़ हैं, मैं आपको अभी क्लोज जाके दिखाऊंगा, तो वहाँ पे छोटी छोटी विंडोज़ हैं वो खुलती हैं और वहाँ से मस्त दो तीन छोटे छोटे ऐसे स्टैचूज टाइप निकलता है और वो बजाता है कुछ कुछ, तो मैं फिलहाल आपको दिखाता हूँ ये, बट जब बज रहा होगा तो फॉर श्योर ही आपको दिखाऊंगा। तो ये जो विंडोज़ हैं ये खुलती हैं, ये जब मैं आवर होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, और ये है यहाँ का ओल्ड टाउन स्क्वायर। A few moments later. तो जी काफ़ी दूर चलते चलते हम पहुंच गए हैं यहाँ के सिटी गेट पे, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये यहाँ का सिटी गेट है, इसको पाउडर टावर भी बोलते हैं, उसका रीज़न मुझे पता नहीं कि क्यों बोलते हैं, बट फिलहाल के लिए ये टूट गया था, इसको रीबिल्ड किया गया। अगर आप आए हैं और आपको फुल लग्जरी वाली फील लेनी है तो यहाँ पे ऐसे गाड़ियाँ रहती है जो सिटी टूर कराती है, तो देखते हैं इनका प्राइस क्या है और दिखाते हैं आपको ये गाड़ी। तो आप इसमें बैठ सकते हैं और सिटी टूर कर सकते हैं, मस्त आपको घुमाया जाएगा, और प्राइस इसका है 40 मिनट्स फॉर 1600, एक घंटा 2200, तो मस्त 100 यूरो लगेगा आपका, और 100 यूरो में आपको सिटी टूर होगा एक घंटे के लिए, या उससे कम लेंगे तो 40 मिनट का मिनिमम टूर ले सकते हैं, बट 80 से 100 यूरो आपका यहाँ पे लगेगा। फिलहाल जाते हैं और थोड़ा पीछे और यहाँ का शॉपिंग स्ट्रीट की तरफ। तो यहाँ पे वॉक करते करते मुझे दिखा वो प्लेस जहाँ पे मैं 2 साल पहले रुका था जब मैं सौम्य के साथ आया था, तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये साल्वाडोर सुपीरियर अपार्टमेंट्स है, और बहुत ही अच्छे अपार्टमेंट्स थे यहाँ पे, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं या अगर आप कपल भी हैं और आपको एक प्रॉपर अपार्टमेंट में रुकना है तो आप यहाँ रुक सकते हैं, और नीचे मैं लिंक डाल दूंगा इसका, तो आप यहाँ रुकें मस्त, और अगर आप रुकें यहाँ पे तो ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे रुकने की ये थी क्योंकि ओल्ड टाउन में है तो हमें ट्रांसपोर्ट या कैब वगैरह नहीं लेनी पड़ती, सुबह उठते थे मस्त ओल्ड टाउन जाते थे, वहीं पर ब्रेकफास्ट करते थे और ब्रेकफास्ट करने के बाद वहीं से घूमने फिरने निकल जाते थे, तो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा इसे। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक मस्त शॉप का नाम, तो जितने भी आईटी वाले बंदे हैं वो समझ जाएंगे, तो आप ये मेरे पीछे देख सकते होंगे दुकान का नाम है एजेक्स चॉकलेट समथिंग। तो यहाँ पे वॉक करते करते लास्ट टाइम मुझे याद है एक फेमस जगह पे मैंने मैक्रोन खाए थे, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ अंदर जाके, तो हम जाते हैं शॉप के अंदर, लेते हैं कॉफ़ी और खाते हैं मैक्रोन। ये है फेमस मैक्रॉन्स। तो हम भी इंजॉय करते हैं अपने मैक्रॉन्स और कॉफ़ी। तो जी फाइनली हम पहुंच गए यहाँ की शॉपिंग स्ट्रीट पे जो कि है बड़े लोगों के लिए स्ट्रीट, और यहाँ पे सारी महंगी महंगी ब्रांड्स है, बैलेंसियागा, फेंडी, जिमी चू और गूची, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का स्ट्रीट,
और फिलहाल हम तो किसी शॉप में नहीं जाने वाले, बट हम बाहर से ही उनको देखते हुए जाएंगे विंडो शॉपिंग करते हुए। और यहाँ पे एक से एक गाड़ी भी खड़ी है साथ में, तो मैं आपको वो सारी चीजें दिखाता हूँ। शॉपिंग करा दो यार थोड़ी है, इसमें से किसी में से। चलो चलो। हाँ किसमें करा रहे हो? जिमी चू में। हाँ चलो चलो, कुछ एक पर्स और दिला दो यार जिमी चू में। फाल्गुन तो तैयार है बट वो मना कर रही है कि नहीं अंदर नहीं जाना भैया, बाहर से ही चलो चुपचाप। मुझे तो दिलाते नहीं हो, मुझे दिलाते नहीं हो, अपने दोस्त को दिलाओगे हैं? ऐसा कैसे, बड़ी नाइंसाफी है। मुझे दिला रहे हैं। देखो अब मेरा देखा देखे, और यहाँ से भी डिमांड आ रही है कि भाई वैलेंटाइंस का गिफ्ट तो दिला दो। देखो मैं तो अकेला आया हूँ तो मैं इन लोगों के मजे तो ले ही सकता हूँ, और इन लोगों की पॉकेट थोड़ी भारी करवा हल्की करा सकता हूँ। लुई विटॉन दिख रहा है भाई? फाल्गुन लुई विटॉन दिख रहा है भाई मुझे? देखो सामने लुई विटॉन है भाई। चले क्या, बस जाएंगे जाएंगे वापस नहीं आएंगे। चलो चलते हैं, बाहर ही तो आना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्रिश्चियन डियोर का एक बहुत ही फेमस पर्स, जो आई थिंक 3-4 लाख रुपए का है, बाहर ही लगा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सामने जो पर्स लगा है इसका कॉस्ट आई थिंक 3-4 लाख रुपए। ये मैंने इंडिया में बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है कि वो जाते हैं और ये खरीदते हैं। यहाँ हमसे ना हो पाएगा भैया, तो हम बार बार से ही चल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे चलते चलते मुझे देखा फेमस आइटम लांगोश, और आई थिंक चेक रिपब्लिक में काफ़ी फेमस है ये। तो ये भटूरे की तरह बनते हैं, जैसे आप पीछे देख रहे हैं वैसे तल रहे हैं, और इसके ऊपर आप जो बेस तो ये हो गया, उसके ऊपर आप जो भी फिलिंग चाहते हैं वो कर देंगे। तो हमने लिया टोमेटो प्लस चीज़ प्लस हैलोपीनियोस, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनता है, और उसके बाद उसका टेस्ट कैसा है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो जी हमारा लांगोश आ चुका है, और जैसे आपने देखा हमने भटूरा है ये, और भटूरे के ऊपर टोमेटो प्योरे है, साथ में चीज़ है और एलपिनियोज़ है। तो हम करते हैं ट्राई, मैंने ट्राई किया, इन लोगों को कराते हैं ट्राई, और इनसे पूछते हैं कि भटूरा विदाउट छोले कैसा लगा। और किसी भी खाने की शुरुआत से पहले सैनिटाइज़र। छोला प्रसाद भटूरा विदाउट छोले। हाँ भाई भटूरा विदाउट छोले। एकदम बढ़िया था। तो फिलहाल यहाँ थोड़ी पेट पूजा कर ली है, और अभी हमारा वॉकिंग टूर 1 घंटे बाद शुरू होगा, तो अभी देखते हैं थोड़ा कुछ और पे लेंगे और उसके बाद जाएंगे। और यहाँ पे सोवेनियर शॉप है, तो यहाँ पे चल रही है शॉपिंग लोगों की, तो मैं दिखाता हूँ आपको उनकी शॉपिंग। हाँ भाई कैसा लग रहा है प्राग में आपसे? बढ़िया, ऐसे हमारा खुद का नाम हम लोग लिख कर ले सकते हैं। नाइस, 3 यूरोस में। तो अपना नाम लिखवा रहे हो? तीनों का। तो ये फाइनली तैयार हो गया है, इसमें मेरा कैमरा और मैं भी दिख रहा हूँ। फाइनली सब ले रहे थे तो मेरे ऊपर प्रेशर आ गया। देख तो देखिए मैंने क्या लिया है, सबसे काम की चीज। तो मैंने लिया बॉटल ओपनर, और ये पसंद इनकी है लेकिन काम मेरे है। और ये देखो हमारी चाबी। हाँ ये भाई ने लिया है, ये भाई ने चिपकाया मुझे और पैसे मैंने दिए। पसंद इनकी, नाम उसका है। मेरा
मैंने ले लिया यहाँ की टोपी और हम पहन के वो घूम रहे हैं, और मेरे साथ वरुण भी है, तो हम दोनों ने ट्विनिंग कर रहे हैं, उन्होंने सेम टोपी ले लिया है यहाँ से। तो ये हमें पड़ा लगभग 3.5 यूरो के आसपास का। तो फिलहाल हम जा रहे हैं अपने वॉकिंग टूर की तरफ और वहाँ से शुरू करेंगे चार्ल्स ब्रिज, तो आपको दिखाएंगे चार्ल्स ब्रिज, तो जाते हैं वहाँ पे।